दिल्ली के विभिन्न इलाकों में एक नमस्ते गैंग करके रॉबरी करते थे। ये केसेस पिछले कुछ महीनों में 50-60-70 के नंबर्स को छू गया और इसकी एक बहुत ही टिपिकल मोडस ऑपरेंडी थी। और इनके पकड़े जाने से अब तक 46 रॉबरी के सेंसेशनल केसेस, जिसमें जो बुजुर्गवार लोग गाड़ी पे जो अकेले चलते हैं, जो विक्टिम्स बने हैं पिछले कई महीनों में, इस केस की गुत्थी सुलझी है और केसेस की सॉल्व हुए हैं। और ये जो एक मोडस ऑपरेंडी जो कि एक तरह से स्केयर क्रिएट करता था और ट्रैप करते थे ये, जिसमें कि लोगों को ऐसा लगता था कि शायद कोई जानकार नमस्ते अंकल करते थे, इसीलिए इसका ये नमस्ते गैंग के नाम से मशहूर हो गया। और ये अटैक हर 2-3-4 दिन के ऊपर एक अटैक जरूर कहीं ना कहीं होता था। और इनका जब इनके बारे में जब पता किया गया, जब पकड़े जाने के बाद, तो इनके ऊपर 2010-12 या पहले के चीटिंग और चोरी के केसेस हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में रहते हैं, अपना मकान है। कुछ और बातें पता चली हैं कि इनके पास जो ये जो लूटेड बूटी है, इससे ऑडी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, रेंज रोवर, इस तरह की गाड़ियां रखकर एक लैविश लाइफ स्टाइल लीड करते हैं। जो मेजर नमस्ते गैंग का दो सरगना था वो दोनों यही है। एक सरगना जो सखावत है, सखावत के साथ जो दो लोग चलते, जनरली तीन लोगों का ये ग्रुप होता था, कई बार चार भी, वो जो दो है वो केवल बचा हुआ है, जिसका सारा डिटेल, उसके सारे मैट्रिक्स हमारे पास हैं, उनको पकड़ेंगे। और एक गैंग का जो तीन आदमी है, जो नसीमुद्दीन एलियास खली और उसके साथ जो गुलजार और नईम पकड़े गए हैं, ये सब मिला जुला करके एक ही इलाके के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं।